नमस्कार इवनिंग हेडलाइन्स सहित स्टुडियो मैं मौसुमी शर्मा बरवा बुकाजान पुराना लाहरीजान आढ़ई कोटी टकार ड्रग्स जब्द लाहरीजान आरक्षीर अभियान जब्द 340 ग्राम हेरोइन 27टा साबुनर बाकसत आनी ड्रग्स खी मणिपुरर गुवाहाटी अभिमुखे अहा एखन बासत आनी ड्रग्स खी धृत ड्रग्स सरबराहकारी आजाद खानक आटक करिसे आरक्षीये बुकाजान महकुमा आरक्षी विषया जून दासर नेतृत्व चलिसिल एई अभियान देशत प्रत्येक दिनाय टीकाकरणर संख्या बृद्धि हुइछे किन्तु टीका ग्रहणर क्षेत्रत मानुह पीछ हुहुकी अहात प्रशासने समस्यार सम्मुखीन हबलगिया हुइछे इन्दुरर एटा परियाले टीका लबलै एई कारणे अनिच्छा प्रकाश करे उरा बातरित भूल गई तेओलोकर विश्वास टीका लले मानुहर मृत्यु हय टीकाकरणर बाबे नेटवर्क 18 आरु फेडारेल बैंकर सजागता अभियाने संजीवनी ए शॉर्ट अफ लाइफ दौलताबाद गांवत प्रवेश करे আৰু পৰিয়ালটোক বুজায় যে টিকা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত পতিনে বোলা কি মেৰা হাত পেৰ দৰ্দ বুখাৰ জেসা হে তো ছাৰ হামনে ডক্টৰ কো দিখায়া ডক্টৰ নে বোলা আপ কোভিড কি যাচে কৰাও हमने कोविड की जांचें करवाई सर तो कोविड बताया तो हम सब लोग घबरा गए फिर हमने इंदौर सिटी जेन में इनको एडमिट किया फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ सर 10 दिन वहाँ रहे आईसीयू रूम में रहे हम जिस दिन गांव में आए थे वैक्सीनेशन सर्वे के लिए कुछ घरों में सर्वे करा हमने उसके पश्चात हम इनके घर आए तो उनके घर के जो सदस्य थे उनसे हमने सर्वे किया कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ तो उनके घर में 2 जनों का वैक्सीनेशन हो चुका था तो हमने बोला आपके घर में कितने सदस्य हैं तो उन्होंने बोला 8 सदस्य हैं तो 8 सदस्य के बाद हमने पूछा कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं कराया तो उनके घर में बोले कि हमारे पापा को कोविड हो चुका था और कोविड होने के कारण अब वैक्सीनेशन हम नहीं करा रहे क्योंकि आसपास के गांवों से हमारे परिचितों से हमें जानकारी मिल रही है कि यानी कि वैक्सीनेशन लगाने से लोग मर जाते हैं बीमार हो जाते हैं कुछ तो हकवाए थी कि इससे कुछ लोग मर जाते हैं बहुत तेज़ बुखार आता है तो मेरे हस्बैंड बीमार थे इसलिए हमने सोचा सर कि अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे तो हम भी घबरा गए थे कि लगाने से हम बीमार हो जाएंगे कुछ हो जाएगा तो हमने किया कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे संजीवनी संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है हमारे घर पर आकर समझाया कि आपको वैक्सीन लगाना है जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था भी की ले गए और लाए भी सही और हम संजीवनी संस्था को धन्यवाद देते हैं कि आज हम उनसे जागरूक हुए हैं और हमारा देश भी जागरूक रहेगा